इस्तेमाल किया लहसुन में, और ये जो लहसुन है मेरे हाथ में मैंने अभी आपके सामने यहीं से उखाड़ी है, देखिए कितनी स्वस्थ जड़ें हैं और बेहतरीन रिजल्ट है। अब मैं हमारे पाटीदार जी के मुंह से ये सारी चीज़ें वो खुद बोलेंगे कि इसके क्या अच्छे रिजल्ट रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने खाद का यूज़ किया और कौन से गाँव से हैं, ये उनकी जुबानी ये बोलेंगे। नमस्कार साथियों, मैं महेश पाटीदार तिल्लौर खुर्द गांव से, और ये हमारे सर जी से एक परिचय हुआ था तो इन्होंने खाद का ऑप्शन दिया था कि बोले यार भी आप खाद डालो, हिप्पो करके कंपनी का है, और बोले अच्छा है खाद, बोले आप डालो, हम गाजर में भी डलवा रहे हैं, लहसुन में भी डालो, आलू में भी डालो। तो फिर हमारी प्लानिंग बन के ठीक है आप भेजो 10-12 बोरी, हम देखते हैं ट्रायल करके। तो लहसुन में हालांकि हम लेट हो गए डालने में, 1 महीने बाद डाला, बाकी 1 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट आया इस खाद का कि लहसुन का कलर 1 नंबर हो गया, और इसकी जड़ भी बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है, पौधा भी स्वस्थ है, और अभी तक कोई दवाई वगैरह या कोई भी मामला इसके अंदर कुछ भी नहीं किया हुआ, और बहुत बढ़िया रिजल्ट आया इसका। हमने तो चालू कर दिया डालना, प्याज में भी डालने का काम चालू कर दिया, प्याज में भी शुरुआत से डलवा रहे। आप हमारे खाद से संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत बढ़िया खाद है और खाद बिल्कुल शानदार है। वैसे परिचय आपका कैसे हुआ था हिप्पो कॉर्पोरेशन के खाद को लेकर के? किस भैया है वासुदेव जी पचाया जी बिचोली से जी, इनको हमने पहले गाजर से हमारा संबंध हुआ था, गाजर हमने इन्हें दी थी आज से 3-4 महीने पहले, और गाजर की शुरुआत से फिर इनने हमको दिया कि बोले यार एक खाद में देखता हूँ आप गाजर में डलवा रहे, तो बोले आप लहसुन में भी डालो, तो फिर मैंने कहा भिजवा दो आप, तो इन्होंने 15 बोरी खाद भिजवाया, तो हमने तो अभी बीघे का 1 बोरी डाला, लहसुन में ज़्यादा नहीं डाला जी, जी। 1 बोरी डाला और अभी 1 महीने पहले डाला, पर 1 महीने में बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद सर।